धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम। मैं कमल सिंह तंवर, अध्यक्ष राजपूत सभा जिला फरीदाबाद। पहले मैं आज आपको थोड़ा राजपूत सभा जिला फरीदाबाद के बारे में भी ब्रीफ करना चाहूँगा। राजपूत सभा जिला फरीदाबाद हरियाणा गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एक स्वयंसेवी संस्था है, जो अपने विभिन्न कार्य कर्मों के माध्यम से बच्चों के विकास को केंद्रित करती है। इसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स, रोलर स्केटिंग, क्रिकेट, मलखम्ब, एरियल स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग, ताई कमांडो या पुलिस व फौज के लिए उनको फिटनेस ट्रेनिंग देना, एकेडमी है हमारी ये अलग अलग, तो हम युवाओं को तैयार करते हैं उसमें। और इसके अलावा जो हमारे ट्रेडिशनल वेपन हैं राजपूतों के, जो लाठी और तलवार, उनके भी हमने ट्रेनर रखे हुए हैं और हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि वो चलाएं। इसके अलावा हमारी महिलाओं की इसमें दुर्गा वाहिनी है। दुर्गा वाहिनी जो महिलाओं के और बालिकाओं के अधिकारों को संरक्षित करती है, अलग से हैं उसमें श्रीमती राधा चौहान एडवोकेट, वो उसकी हमारी अध्यक्षा हैं। और इसी तरह से एक प्रताप वाहिनी है हमारी युवाओं की, तो ये पीछे जो देख रहे हैं आप टी शर्ट में और कैप में हैं, ये प्रताप वाहिनी के सदस्य हैं, अध्यक्ष तुलसी चौहान जी हैं। तो युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में, उनको अपलिफ्टमेंट देने में हम प्रयास करते हैं, तो उसमें कोई जाति बंधन नहीं है, ना दुर्गा वाहिनी में ना ही प्रताप वाहिनी में। तो अब क्योंकि पीछे जो समाज से जो सामाजिक समस्याएं होती हैं उनसे अछूते नहीं रह सकते। आप सबको मालूम होगा अभी गुर्जर और राजपूत समुदाय के बीच में एक बड़ा तनाव चल रहा है, तो उसमें आपका भी बहुत सहयोग रहा है हमारी बात को रखने में, आपका आभार करते हुए। जो अभी मैंने सुना है 5 तारीख को ये गुज्जर जो समुदाय है वो लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने भी जबकि उनसे कहा था कि मिलके हम संयुक्त करते हैं और बातचीत करते हैं आपस में, परंतु उनकी तरफ से हमें कोई ऐसा मैसेज नहीं आया, तो हम लोग नहीं जाएंगे। आपके माध्यम से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप वहाँ जाएं, हमने डिटेल्स ये लिखी है, आपको मैं प्रतियां भी दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके उनसे ये ज़रूर हमारी तरफ से पूछिएगा। कि पहला तो यही है कि गुर्जरों को ये कब मालूम हुआ कि ये सम्राट मिहिर भोज या पृथ्वीराज चौहान या राजा आनंदपाल तोमर ये गुर्जर हैं, उनको कब मालूम हुआ इसका, ये आप उनसे पूछिएगा। दूसरा है कि उनकी जाति गुर्जर है या गुर्जर, आप देखते होंगे गुर्जर लिखते हैं कई, तो जबकि सरकारी नोटिफिकेशन में, जो भारत सरकार के नोटिफिकेशन में, उसमें गुज्जर जाति है, जहाँ इन्होंने बीसी मांगा है, बैकवर्ड क्लास में इनको दर्जा भी दिया है, ये भारत सरकार का गजट है, तो उसमें गुर्जर नाम की कोई जाति नहीं है। क्योंकि गुर्जर जो ये कहते हैं गुर्जर नरेश सोमेश्वर जी, जो पृथ्वीराज चौहान के फादर थे, या मिहिर भोज को गुर्जर सम्राट, तो गुर्जर गुजरात प्रदेश का एक टेरिटरी थी जिसमें जिस राजपूत शासक ने वहाँ शासन किया, तो उसको हम ये गुर्जर नरेश बोलने लगे, गुजरातरा प्रदेश था वो, कोई हमारे इतिहास में बता भी देंगे इस बारे में। और दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ था, उसकी भी ये विस्तृत रिपोर्ट है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण भारत सरकार संस्कार संस्कृति मंत्रालय की तरफ से ये हुआ था, ये सेमिनार हुआ था, नेशनल सेमिनार था 25 फरवरी 2021 को, उसमें सभी गुर्जरों के एमपी भी थे, सभी थे, परंतु जो इसमें
जो प्रधानमंत्री जी के कहने से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, सारी यूनिवर्सिटी जो हमारी मेन मेन यूनिवर्सिटीज हैं, श्री प्रहलाद सिंह पटेल जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, वो इसकी अध्यक्षता में थे। और उसमें रिपोर्ट आई है, उस कमेटी की रिपोर्ट है कि ये जो अनंतपाल द्वितीय, उसके ऊपर ये सेमिनार था। उन्होंने डिफाइन किया था कि अनंतपाल द्वितीय क्षत्रिय राजपूत थे, तो ये सरकारी रिपोर्ट है, उसको भी नहीं मान रहे। उसके अलावा फिर ये कहते हैं क्या क्षत्रिय सम्राट जो मिहिर भोज परिहार के वंशज जो राजकुमार अनुरुद्ध सिंह है, जो यानी मेरी जाति, क्या दूसरा कोई डिसाइड करेगा कि मैं किस जाति से हूँ? जब राजकुमार ये अरुणोदय सिंह आज भी उनके वारिस हैं, जो इनका किला है उसके ऑक्यूपाई किया हुआ है, और वो लिख के दे रहे हैं अब भाई हम क्षत्रिय राजपूत हैं ना कि गुर्जर। कंट्रोवर्सी केवल उस गुर्जर प्रदेश को काबिज करने से हुई है। उन्हें गुजरेश्वर की जब उपाधि मिली तो इस वजह से वो उन्हें गुर्जर बताने लगे। तो ये आप जरूर उनसे पूछिएगा, हम डॉक्यूमेंट्स देंगे आपको। और फिर यदि वो गुर्जर नहीं थे तो गुर्जर समुदाय उन्हें गुर्जर जाति का क्यों बता रहा मिहिर भोज को, जब वो खुद कह रहा, मालिक कह रहा, जो जिंदे हैं उनके वारिस वो कह रहे हैं। तो ये किस आधार पर कहते हैं, आप जरूर पूछिएगा उनसे। अगर किस राजपूत समाज की तरह गुर्जर समाज इन महापुरुषों को देश धर्म और हिंदुत्व की रक्षा के प्रेरक के रूप में महाराजा के नाम से क्यों नहीं संबोधित कर रहे? हमने तो अपने कभी नहीं कहा कि आप महाराणा प्रताप में उस पर राजपूत महाराणा प्रताप लिखो, हमने तो कभी नहीं कहा। ये राष्ट्रवादी लोग हैं, वो किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे भगत सिंह हो, कोई भी हो, तो उनको हम इन महान पुरुषों को किसी जाति विशेष में बांट के हम इनकी गरिमा को गिराते हैं। तो राजपूत समुदाय ने कभी भी नहीं कहा किसी व्यक्ति विशेष के लिए कि ये हमारी जाति के। तो हमने एक प्रपोजल भेजा था उनको, व्यक्तिगत बात भी की है हमने, भाई आप इनको गुर्जर सम्राट नहीं लिख के हिंदू सम्राट लिख दीजिए, हिंदू महाराजा लिख दीजिए, तो उसमें सभी जातियां आ जाएंगी। और ये शासक भी हिंदुत्व के रक्षक थे, हिंदू की, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही तो आत्यायियों से तो ये लड़े थे, तो वो उस पर भी सहमत नहीं हो रहे। फिर यदि गुर्जर समाज पुराने राजघरानों से संबंधित है, इनके हैं, तो कोई भी ऐसा ये बताएं, अगर ये हमारा किला है, ये हमारा राजघराना है, ये जबरदस्ती जो हम लोगों से छीन रहे, ये पूरी वंशावली दे सकते हैं हम, तो हमारे पास पूरी इनकी वंशावली है। तो आप उनसे पूछिएगा कि भाई आप किस उससे इनको ये अपनी जाति का बता रहे हैं। और यदि वो चाहें तो मैं आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ कि एक महीने के नोटिस पे वो बैठ के मीडिया के सामने या नेशनल मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने, जहाँ भी बैठ के चाहें, हम उनका स्वागत करेंगे उनको। और वो यदि चर्चा करना चाहें तो इस विषय पे वो भी अपने साक्ष्य ले आएँ, हम भी ले आएंगे। वैसे अभी शायद इसमें मध्यस्थता होगी, जब कल हम श्री यशपाल यादव जी से, जो हमारे अब डिप्टी कमिश्नर आज नहीं रहे, कल तक वो थे, उनसे हम मिले थे, उन्होंने भी यही एश्योर किया था कि मैं मीडिएशन कराऊंगा, और तहसीलदार को नियुक्त कर दिया था कि आप बैठ कर सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़े। हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का सामाजिक सौहार्द बिगड़े, क्योंकि हमारे चारों तरफ हमारे आपस में सामाजिक रिलेशन ऐसे हैं, दिन रात का उठना बैठना। तो हम इस व्यर्थ के विवादों में पड़ के उस भाईचारे को नहीं बिगाड़ना चाहते जो हमारे समाज में शांति बनता है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इसमें हमारा सहायता करें, उनको समझाएं। 5 तारीख का हमने सुना है उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तो आप सब हमारी तरफ से उनसे पूछेंगे और आग्रह भी करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि मैंने उनसे कहा भी था, अगर भाई आप इसे यदि हिंदू सम्राट लिखते हैं तो हम आके इसमें शामिल भी होंगे, और जो सहयोग होगा वो सहयोग भी करेंगे। जैसा कि हमें खबर मिली है, जहाँ पर ये मूर्ति की स्थापना होने वाली है वहाँ पर दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप
इससे जो है सहमत नहीं है, वो नहीं चाहता वहाँ पर मूर्ति स्थापना हो। वो कह रहा है कि यहाँ पर कब्जा किया जा रहा है मूर्ति स्थापना करके, क्योंकि वो चौपाल है वहाँ पर मीटिंग वगैरह होती है। अभी जा रहा है, कुछ गुंडे यहाँ कब्जा कर रहे हैं चौपाल पे। 80% गांव इसके खिलाफ है अनंतपुर। बिल्कुल, केवल कुछ स्वार्थी लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, ये वास्तव में ही चौपाल पे नहीं, चौपाल पे तो जब ये कंट्रोवर्सी हुई है, कृष्ण पाल जी का नाम आ गया और उन्होंने पीछे हट गए हैं, तो तब ये चौपाल की बात हुई है। नहीं तो बता रहे थे कि कोई खान है, वो सरकारी भूमि है, उस 2 एकड़ जमीन पे ये स्थापित करके उसको कब्जाने की नियत थी शायद कृष्ण पाल जी। 50-60 गज का ही चौपाल है वो, क्योंकि कल पुलिस कमिश्नर ने हमें बताया, कृष्ण पाल मंत्री जी ने उनको भी कहा था, डायरेक्शन दिए समाज में इस तरह की समरसता ना बिगड़े, और शायद उन्होंने उनको भी डांटा हो उनके से। नहीं, जो मैसेज ऐसा जा रहा है कि वो सभी गुर्जरों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसा मैसेज जा रहा है। जैसे कि आप लोग कह रहे हैं उनको समझाओ, ऐसा नहीं है, वो सभी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ कुछ लोग हैं जो उनकी एक चाल भी हो सकती है भाईचारा बिगाड़ने की, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैसेज अलग जा रहा है पूरे देश में, गुर्जर वर्सेज राजपूत की लड़ाई इसको बताया जा रहा है। सवाल ये है कि अगर ये लोग अपना कार्यक्रम पूर्ण करते हैं, जिस दिन इन्होंने मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम किया है, तो राजपूत सभा की तरफ से आज आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या आप लोगों का अगला कदम होगा? क्योंकि ज्ञापन वगैरह आप लोगों ने दे दिया है, प्रशासन की तरफ से आपको आश्वासन मिल चुका है, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं मानते तो राजपूत सभा और राजपूतों का क्या आप रुख रहे हैं? हमारी जो स्टेट लेवल की संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं, और हमने सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग जाएंगे, अभी पीएमओ में हमारी बात चल रही है, जिस तरह से अभी हमने सुना है सीएम साहब ने भी कोशिश की है कि दोनों समुदायों के लोगों को बैठा के और आपस में सौहार्द बनाए, तो यदि मीडिएशन में सीएम साहब आते हैं तो बैठते, वो तो साक्ष्यों के आधार पर हो, यदि हम गलत हैं तो हम मानेंगे, और यदि वो मानते हैं, अब ये सरकारी रिपोर्ट है, ये हमारी तो नहीं है, इसमें केवल 30 लोग थे जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स थे, और सारी संस्थाएं हैं अलग से, इसमें ये जो बता देंगे भाटी साहब इसमें बताएंगे, तो उनकी रिपोर्ट को सरकारी रिपोर्ट को भी नहीं मानेंगे, तो फिर तो ये तो मतलब सरकार की अवमानना का मामला बनता है। ये वो भी दस्तावेज लेके बैठे हुए हैं, उनके भी सरकार सब लोग हैं, वो भी चैलेंज कर रहे हैं कि हमारा कोई गलत नहीं है। सर, जो उन्होंने सरकार ने जब ये रिपोर्ट दी अभी की है, ये है 25 फरवरी 2021 की, यदि सरकार ने इसको आनंदपाल द्वितीय महाराज को वो बता दिया राजपूत, तो क्या उन्होंने इस रिपोर्ट के खिलाफ आज तक कोई अपील की, ऑब्जेक्ट किया कहीं, वो बताएं इस बात को। टेक्निकली मैं नहीं, वो मूर्ति स्थापना में तो हम भी सहयोग देंगे, मूर्ति के ऊपर गुर्जर सम्राट लिख रहे, हम हिंदू कह रहे हैं, हम हिंदू सम्राट कह रहे हैं, उसमें राजपूत के अलावा सभी आएंगे, उसमें ठाकुर के अलावा ब्राह्मण भी होंगे, जाट भी होंगे, बनिया भी होंगे, शूद्र भी होंगे, सभी हिंदू आएंगे उसमें। हमने ये प्रपोजल उन्हें भेजा था शांति के लिए। आप चाहते हैं हिंदू सम्राट लिखा जाए, जबकि वो चाहते हैं गुर्जर सम्राट लिखा जाए। उन्होंने लिख भी दिया, यमुनानगर में गुर्जर सम्राट ही लिखा हुआ, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज प्रथियार, तो इसीलिए हमने कल को, आज हम तो जानते हैं कि भाई वो राजपूत शासक थे, हमारे बच्चे तो जो दिखेगा वो समझेंगे ना, जैसा कि एक प्रेस, इसलिए हमें ऐतराज है। जाति विशेष का नाम ना लिख के हिंदू सम्राट लिख, जैसा कि एक मैसेज वायरल हो रहा है, 5 अगस्त को प्रेस वार्ता होने वाली है, जिसमें कहा जा रहा है चौहान, प्रतिहार, परमार, तंवर, ये सब भी गुर्जर समाज से थे, इसका सबूत देंगे 5 अगस्त को, तो ये कौन से लोग हैं जो आगे आगे इस तरह के मैसेज वायरल कर रहे हैं? इससे तो लड़ाई और बढ़ जाएगी ना। जेपी भाटी जी, हाँ जी सर, आप सचिव हैं राजभोग सभा के, एडवोकेट भी हैं। मैं अपने सभी भाई और बहनें जो यहाँ पे हैं सभी का नमन वंदन करता हूँ। टेक्निकली मैं आप सबके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूँ, इन फैक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा गौर करें। ये जो भी दो समुदाय विशेष, जो गुर्जर समुदाय और जो राजपूत समुदाय है, इनके बीच में जो जातीय वैमनस्यता फैलाने का जो लोग कुकृत्य कर रहे हैं,
वो कुकृत्य बिल्कुल निंदनीय है और हम उसकी भर्त्सना करते हैं। कोई भी महान विभूति, चाहे वो भगत सिंह रही हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद जी रहे हो, हम लोग इन्हें जातीय रूप में नहीं बांध सकते। यदि हम बांटने लग जाएंगे इनको, तो आज हम जिन भगवान परशुराम की उपासना करते हैं या जिन्हें हम अपना आराध्य मानते हैं, उनके लिए भी कुछ लोग ये लिखने लग जाएंगे कि ये ब्राह्मण परशुराम भगवान है। भगवान सबके होते हैं, महान विभूतियाँ जो होती हैं वो सारे समाज की होती हैं, उसका किसी एक व्यक्ति विशेष से कोई क्षेत्राधिकार का मसला हल नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश के जो सबसे बड़ी संस्था लोकसभा है, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, उनकी डायरेक्शंस पे हिस्ट्री के साथ कोई छेड़खानी ना हो, नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी, ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की एक रिपोर्ट 25 फरवरी 2021 को पब्लिश हुई है, ऑनलाइन है, वेबसाइट पे है, कोई भी व्यक्ति से अवेल कर सकता है। 34 पेज की ये रिपोर्ट है। ये अध्यक्षता इसमें प्रधानमंत्री जी के आदेश पर श्री प्रहलाद सिंह पटेल, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इनकी अध्यक्षता में ये सारा काम हुआ है। और आगे जो हम बात करते हैं, इसमें पार्टनर्स कौन रहे, एसोसिएटिंग पार्टनर होते हैं, जो रिसर्च टीम्स होती हैं, टोटल 16 टीम्स इसके अंदर रही जिनका पार्टिसिपेशन इसमें रहा, जिनको आधार मान करके हमारे ये जो प्रहलाद सिंह पटेल जी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है, इन्होंने डिक्लेयर किया और ये रिपोर्ट जो है सारी इस्टेब्लिश की गई। अब ये संस्थाएँ कौन सी हैं? सबसे पहली संस्था है, आप देख सकते हैं, नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के तत्वाधान में इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, दैट इज IIT कानपुर, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT जिसे हम कहेंगे, भारतीय इतिहास संकलन समिति, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। ये टोटल जो 16 संस्थाएं थी, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी, इन सभी संस्थाओं ने अपना अपना पार्टिसिपेशन किया। ये किसी जाति विशेष की संस्थाएं नहीं, ये समस्त देश की संस्था है, जो पूरे भारत राष्ट्र की संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं ने क्या उसमें डिक्लेयर और पब्लिसाइज किया, इसमें जो डॉक्टर बी आर मनी जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल नेशनल म्यूजियम और फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पार्टिसिपेशन रहा, और टोटल इन्होंने जो कंक्लूड किया उसमें साफ साफ ये लिखा गया है, ए स्टडी ऑफ द एक्सकेवेटेड रिमेन रिवील्ड ए सीक्वेंस ऑफ टू कल्चरल पीरियड्स ऑनली, इन विच नंबर वन फर्स्ट पीरियड वॉज राजपूत पीरियड मिडल ऑफ द 11th सेंचुरी टू द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी, राइट, और सेकेंड एरा जो रहा है इसका वो रहा है सल्तनत पीरियड का, नंबर टू में अर्ली सल्तनत पीरियड एंड ऑफ द 12th सेंचुरी से एंड ऑफ द 14th सेंचुरी AD तक, ये रहा खिलजी वंश का जब इसके ऊपर कब्जा हो गया दिल्ली रियासत के ऊपर। तो खिलजी और राजपूत के बीच में कोई, और इस रिपोर्ट के मुताबिक 34 पेज की ये जो रिपोर्ट है इसमें कोई भी व्यक्ति विशेष, ये संप्रदाय विशेष नहीं था, केवल राजपूत डायनेस्टी या उसके जो प्रेडिसेसर बने वो ये सल्तनत पीरियड वाले बने। अब बात करते हैं हम कि इस कमेटी के अंदर मैंने जैसे आपको 16 संस्थाओं के नाम बताए, उन 16 संस्थाओं में कौन थे? आपके जहन में एक सवाल ये होगा कि क्या वो 16 संस्थाएं जो इसमें पार्टिसिपेशन कर रही थीं या जो एसोसिएट पार्टनर्स थे, क्या वो सारे राजपूत समुदाय थे? तो ये जो मैं 29 आदमियों की लिस्ट आपके सामने लेकर के आया हूँ, ये 29 आदमियों में से केवल एक महिला जो थी वो राजपूत समाज से थी, बाकी 28 मेंबर्स जो रहे हैं वो सारे 28 मेंबर्स अन्य समुदाय से थे। और इसकी जो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, नंबर वन पे थे डॉक्टर प्रोफेसर PC जोशी, ये थे वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी। नंबर टू प्रोफेसर राजकुमार, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी, चेयरमैन UGC, चेयरमैन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर IIT कानपुर, प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, प्रोफेसर नेशनल संस्कृति यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी,
ये सारे प्रोफेसर, चेयरमैन और वाइस चांसलर लेवल के टोटल 29 अफसरान रहे हैं, जिसमें डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर्स भी कुछ शामिल हैं। तो ये किसी जाति विशेष से संबंधित नहीं है। इन्होंने जो भी ये डिक्लेरेशन इसके अंदर किया है, जो ये बताया है कि ये राजपूत समुदाय से संबंधित है। अब बात करते हैं एक टेक्निकल ग्राउंड की। और एक लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली गई थी, उस सुप्रीम कोर्ट की PIL के अंदर जो गुर्जर समुदाय ने अपना एक OBC का एक आरक्षण मांगा था। आरक्षण, देखो, सेल्फ एडमिशन कैन नॉट बी डिनाइड एट एनी स्टेज व्हेन ऑन वन साइड दे आर क्लेमिंग दैट दे हेल्स फ्रॉम ए फैमिली बिलोंग्स टू पॉवर्टी, वो एक वीक ट्राइबल है जिससे हम बिलोंग करते हैं, वो कैसे कहता हूँ मैं, और दूसरी तरफ ये कहना कि हमारा तो बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है, हम तो शासक रहे हैं, हम तो ये रहे हैं, वो रहे हैं। तो उसके बारे में जो ये काफ़ी लंबा इसका जो एफिडेविट रहा है इनके जो PIL जिसने फाइल करी थी उस इंसान का, उसने जो इसके अंदर लिखा है मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ। गुजर क्या है? पर्सनल हियरिंग ऑन मेमोरेंडम्स रिसीव्ड इन द मैटर ऑफ रिजर्वेशन ऑफ स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस। नंबर वन, गुजर कॉमा गुर्जर कास्ट बाय सबमिटिंग मेमोरेंडम डेटेड 21/8/2012। The representatives of Gujar community has submitted that the state government in the month of June 2007 had got conducted thorough study of social and educational status of Gujar community. They live with their cattle in poverty, humility and meekness. Poverty, humility and meekness. They are known as animist and herdsman. कुछ ऐसे शब्द भी खुद इस एफिडेविट के अंदर लिखे हुए हैं। शायद मेरा वो बोलना यहाँ पे ठीक नहीं होगा, क्योंकि गुजर समुदाय कोई अलग नहीं है, हमारे ही हिंदू समाज का एक हिस्सा है और हम उन्हें पहले भी भाई मानते थे, आज भी मानते हैं और कल भी मानते रहेंगे। ये किसी जाति विशेष से कोई वैमनस्यता की बात नहीं है। जो फिलहाल जो बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं कि जातियों में, जातियों के आधार पर हिंदू धर्म का विखंडन ना हो। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए इतिहास से छेड़खानी करके हम लोगों में जो वैमनस्यता अपने राजनीतिक हितों की स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहे हैं वो कदापि निंदनीय है। तो इन इतिहास से छेड़खानी ना की जाए। और यहाँ पे वर्ड गुजर के जो बारे में जो खुद इनका एफिडेविट कह रहा है, वर्ड गुजर इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल प्रोफेशन बाय द ट्राइब। इसका मतलब अगर मैं कंक्लूड करूँ, वैसे आप सभी विद्वान हैं पर फिर भी मेरा कहना ये ठीक होगा कि एफिडेविट के अंदर उन्होंने कहा है कि ये शब्द गुजर आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति का सोर्स क्या है। तो इसकी उत्पत्ति वो बताते हैं, गौ, गाय माता हमारी, काओ एंड जर, दैट मीन्स अर्निंग। गाय को चराने वाले जो व्यक्ति थे वो गुजर थे। तो अपने आप को राजा जो ये रिप्रेजेंटेशन या इम्परसोनेशन कर रहे हैं वो गलत है। और यहाँ पे लिखा है गुजर कम्युनिटी इज ए कम्युनिटी हूज मेंबर्स पुल देयर लाइवलीहुड बाय कैटल ब्रीडिंग ओनली। व्हाट इट मीन, इट टेंटमाउंट्स दैट दे आर नॉट रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ डायनेस्टी एज प्रिस्क्राइब्ड इन द हिस्ट्री एज इन द रिकॉर्ड्स। चाहे हम UPSC की बात करें, मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, कि SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भी रिकॉर्ड देख सकते हैं आप। इसके अंदर भी जो सवाल पूछा गया था ये सम्राट मिहिर भोज के बारे में और अनंत पाल तोमर जी के बारे में, इसमें भी प्रतिहारों को राजपूत दिखाया गया है। 738 ईस्वी में अरबों को किसने पराजित किया था? प्रतिहारों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने और चालुक्यों ने। SSC सेक्शन ऑफिस परीक्षा 2007 की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आप समझते हैं सभी। और 738 ईस्वी में राजस्थान का युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में राजपूतों का एक संघ बना था, राजपूतों के इस संघ ने जुनैद इब्न अब्दुल रहमान उल मारी के नेतृत्व वाली अरब सेना को हराया। ये तो रही इसकी बात। अब मैं बात करता हूँ, जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय या बड़े भाई श्री कमल सिंह तंवर जी ने आपको पहले ही विदित कराया कि एक नागौद रियासत होती थी मध्य प्रदेश में, जिसकी रियासत के जो मेन राजा थे वो नागभट्ट डायनेस्टी से शुरू होती है। उसके पहले राजा नागभट्ट रहे। 838 ईस्वी की अगर हम बात करते हैं, उसके बाद ये आकर के जो हिस्ट्री पब्लिशाइज की जा रही है राजा मिहिर भोज प्रतिहार के बारे में जो ये बात कर रहे हैं, कोई भी एक गांव या कोई भी एक शहर या कोई भी एक किला जो जीत लिया जाता था
उसका अधिपति कहा जाता था, जैसे दिल्ली का जो विजेता है उसे दिल्ली अधिपति कहा जाता है, और जो नागपुर का विजेता है नागपुर अधिपति या नागपुर नरेश की उपाधि दी जाती थी। इसी प्रकार जो प्रीवियस हिस्ट्री है, प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर साफ लिखा हुआ है जो गुजर गुजरात्रा प्रदेश था, जिसे आज गुजरात कहा जाता है, इस गुजरात्रा प्रदेश को बिफोर इंडिपेंडेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जब सम्राट मिहिर भोज द्वितीय ने मिहिर भोज प्रतिहार जी ने जो जीत लिया, तब से इनको एक उपाधि दी गई कि गुजरात्रा धीश या गुजरात्रा नरेश मिहिर भोज प्रतिहार। और जो अनंगपाल तोमर जी की हम बात करते हैं, अनंगपाल तोमर जी द्वितीय के बारे में मैंने आपके सामने ये साक्ष्य, तो ये केवल इतिहास के साक्ष्यों से छेड़खानी करके अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट और आपको मैं, करनाल का गजेटियर जो है बिफोर इंडिपेंडेंस 1930 का गजेटियर है, तो करनाल जो आप सभी वाकिफ़ हैं, करनाल आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का है, तो करनाल का जो गजेटियर है उसके अंदर भी इन कास्ट क्रीड जो भी हम लोग बात करते हैं जातियों की, हालांकि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी जाति के बारे में बात करने का, ये गजेटियर करनाल का है 1930 का। इस 1930 के गजेटियर में जो आपने एक सवाल उठाया था कि ये रावल लिखते हैं, परमार लिखते हैं, चौहान लिखते हैं, पवार लिखते हैं, तंवर लिखते हैं, वॉट एवर दे आर क्लेमिंग, इन दिस प्रटेक्स्ट आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू काइंडली हैव अटेंशन ओवर दिस गजेटियर इन विच दे आर स्टेटिंग कि ये रावल कौन है, चौहान कौन है, प्रतिहार कौन है, इसके बारे में कहा है। गुजर के बारे में, क्योंकि देखिए चैप्टर 3D ट्राइब्स एंड कास्ट द गुजर्स, ठीक है, आप देख पा रहे हैं इसमें साफ लिखा है रावल जो लिखते हैं अपने आप को, दिस क्लैन क्लेम्स डिसेंट फ्रॉम द राजपूत कॉल्ड धुंधपाल फ्रॉम बियॉन्ड लाहौर हु मैरिड ए डॉटर ऑफ गुजर कॉल्ड घोकर हु मैरिड ए लेडी रिलेटेड टू गुजर कम्युनिटी कॉल्ड देन दिस ट्राइब कॉल्ड घोकर। अब मैं आप सबके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जिस आदमी से, यहाँ आदमी या औरत का भी कोई डिफरेंस नहीं है, जनरल जो ह्यूमन ट्रेंड है या इंडिया के अंदर जो कल्चर चला आ रहा है, जो आदमी जो बाप होता है किसी भी व्यक्ति का या किसी भी इंसान का जो बाप होता है उसके नाम से उसकी पहचान होती है। राजपूतों में अगर गुजर की लड़की का किसी का विवाह हो रहा है तो उस लड़की को गुजरी नहीं कहा जाएगा, उसे राजपूत कहा जाएगा। और इसी तरह ये जो गजेटियर कह रहा है कि एक गुजर महिला की शादी राजपूत राजा से हुई, जिसके बाद में इन लोगों ने अपने आप को इंटरप्रिटेशन गुजर नहीं ये कहना शुरू कर दिया कि गुजर रियासत, रियासत तो राजपूत की है जिससे इस लड़की ने शादी करी, तो वो राजपूत राजा थी, ये गजेटियर कह रहा है। आगे भी ये जो कह रहे हैं चौहान के बारे में और तंवर के बारे में, दिस क्लैन क्लेम्स डिसेंट फ्रॉम अ तंवर राजपूत बाय ए गुजर मदर, व्हाट इट मीन, सीधा सा सवाल है कि अरे जिसका बाप राजपूत था, सपोज करो माँ गुजरी हो गई, तो वो क्लैन जो बाप था, मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, बच्चे तो जो मर्जी लिख लें, पर जो बाप था, बाप तो राजपूत ही रहेगा, अगर राजपूत बाप है, एक पति जो है वो राजपूत है और पत्नी उसकी गुजरी है, तो बच्चे उस पर चाहे गुजर लिखें या राजपूत लिखें, दैट डजंट मीन एनीथिंग, बट जो बाप की जाति को वो बच्चे कैसे बदल सकते हैं। ये जो गजट है, नोटिफिकेशन जो है, गजटियर जो है 1930 का करनाल का, वो ये कह रहा है कि भाई ये महिलाएं जो थी, इन महिलाओं से जो गुजरी जो हमारी माताएं थीं, इन माताओं से जो शादी करी थी वो राजपूत डायनेस्टी के कुछ राजपूतों ने करी थी, तो इससे उनका ये क्लेम करना कि जी वो राजपूत नहीं वो गुजर थे, ये तो गुजर हो सकते हैं, ये राजपूत कहें हमें कोई आपत्ति नहीं है कि ये राजपूत हैं, ये अपने बाप का नाम अगर ये बताएं खुशी से कि हमारे जो बाप थे वो राजपूत थे, कोई आपत्ति किसी प्रकार के नहीं है, बट बाप कभी भी अपनी बाप की जाति हम कैसे बदल सकते हैं। मेरा आप लोगों के माध्यम से यही अनुरोध है कि मतलब आपके कहने का ये भी मतलब है कि गुजर वैसे में कोई जाति नहीं है, सिर्फ काम के आधार पर, जैसे कि गौ माता से रिलेटेड इनका रोजगार था तो उसकी वजह से गुजर पड़ गया, दूसरा है जो गुजरात में रहते थे उनको गुजर कहा जाने लगा, हाँ। तो वो राजपूत भी हो सकते थे, कोई भी कास्ट के हो सकते थे, उस वक्त तो ज्यादातर राजपूत ही होते आपके थे। इस बारे में मैं ये बताना चाहूंगा, सबसे पहली बात तो एक डिफरेंस जो यहाँ पे है वो गुजरात्रा प्रदेश का है, उसमें गुजरात्रा प्रदेश में केवल एक जाति से कोई भी देश नहीं बना करता, सभी जातियां,
जो गुजरात्रा का जो नरेश होगा या जिसने गुजरात्रा विजय कर लिया उसको तो गुजरात्रा नरेश ही कहा जाएगा या गुजरपति कहा जाएगा। जिस तरीके से जो मैंने आपको ये दिखाई ये जो टोटल रिपोर्ट, इसमें भी ये कहा गया है कि दिल्लीपति अनंगपाल तोमर द्वितीय, यहाँ पे राजपूत। अगर मैं तो ये कहता हूँ, देखिए हम बहस तो कई घंटे कर सकते हैं, पर मुद्दे की बात ये है जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन कह रहा है, ये सम्राट महान विभूतियाँ जो है इनको किसी जाति विशेष में ना बांटा जाए, और जो गवर्नमेंट का ये नोटिफिकेशन कह रहा है ये अनंगपाल तोमर द्वितीय जो है उस नाम से इन्हें जाना जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप एक नहीं चार प्रतिमाएं लगाएं, पर अनंगपाल द्वितीय नाम से लगाएं तब तो ठीक है, पर आप किसी के, आप सपोज अपना बाप अगर इन्हें बता रहे हैं अनंगपाल तोमर जी को या मिहिर भोज जी को, तो बाप की टाइटल आप नहीं बदल सकते, आप अपने बच्चों की टाइटल बदल सकते। यानी इन लोगों को अगर ये मानते हैं तो जनरल कैटेगरी में वापस आ जाना चाहिए जो ओबीसी का दर्जा मांग रहे हैं। ये क्योंकि क्षेत्राधिकार उनका है या भारत सरकार का है, व्हेन दे आर क्लेमिंग दिस काइंड ऑफ रिजर्वेशन एज अदर बैकवर्ड कास्ट और ट्राइब, तो उसको गुजर या गोचर से मतलब नहीं है। हमारा तो केवल मुद्दा ये है कि अगर इनके फादर साहब जो इन गजटीय नोटिफिकेशंस की बात हम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, अगर इनके फादर साहब राजपूत थे, मदर इनकी गुजरी थी, ये अपने बारे में जो मर्जी लिख सकते हैं, स्वतंत्र हैं, पर हमारे बारे में या उस बाबा के बारे में जो अनंगपाल तोमर द्वितीय थे उसके बारे में ये सर्टेन नहीं कर सकते कि भाई ये यूं उन्हें चेंज नहीं कर सकते। जो डॉक्यूमेंट में लिखा है वो तो वही रहेगा, और वंशावली जो जो मिहिर भोज प्रतिहार जी की वंशावली है नागौद रियासत ने आज भी हमें सर्टेन करके दी है, जो उसके राजकुमार अरुणोदय प्रताप सिंह हैं उन्होंने आज भी हमें डॉक्यूमेंट दिया है, आप चाहें आपको हम डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जिसमें उन्होंने साफ स्पष्ट और स्पेसिफाई किया है कि हम जो हैं राजपूत हैं, गुजर वंश से हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, हम केवल गुजराधिपति थे क्योंकि हमने वो विजय किया था और अरबों से हमने लड़ाइयाँ लड़ी थी। आप इन्हें अपना भाई मानते हैं? देखिए भाई तो हम समाज, हम सारे समाज को, चाहे वो कोई शूद्र वैश्य हो चाहे कोई ब्राह्मण हो, हम दिल से स्वागत नहीं, आप सीधा कह रहे हैं राजपूत लिख सकते हैं गुजर भाई अगर चाहे तो, ये उनका क्षेत्राधिकार है, हम उसके लिए उन्हें मना नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं कोई भी व्यक्ति, चाहे मेरा कोई शूद्र भाई है, मैं बिल्कुल माथे पे बिठाने वाला इंसान हूँ, चाहे कोई वाल्मीकि है कोई शूद्र है, हम तो महर्षि वाल्मीकि की भी भगवान के रूप में पूजा करते हैं। ये सनातन धर्म में हमने सीखा क्या है, हमने तो हर किसी को साथ लेकर के चलने की कोशिश की है, और सीखा हमने ये है कि भाईचारा सबसे बढ़िया होता है, हमें कास्ट ग्रेड में नहीं बटना, पर ये दुष्प्रचार या इतिहास से जो छेड़खानी ये बर्दाश्त नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद जी।